हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर। और हमने आज फिर डॉक्टर साहब से समय लिया है, उनका स्वागत भी करते हैं इस कार्यक्रम में। सर आपका स्वागत है, आपने अपना फिर हमें समय दिया, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, बहुत सारे पिछले जो वीडियो हमारे 2 से 3 जो बन चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो जो आपने मुझे कमेंट ऑप्शन में कमेंट किए थे नीचे, उनके मैंने सारे सवाल सर से बुलाकर पूछे थे और सर ने अच्छे से उनको एलोबरेट भी किया था। आई थिंक कि पिछला वीडियो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपके सारे क्वेश्चन के जवाब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से वहाँ एलोबरेट किए हैं। तो नेक्स्ट जो और कुछ सवाल है उस पर हम चलते हैं, और जो आपके आगे भी रहेंगे और जो एक नया टॉपिक भी है जिसके बारे में अच्छे से आपको समझना चाहिए कि अगर कहीं आप मेडिकल में जा रहे हैं तो फिर अगर ये इस तरीके की समस्याएं हैं तो फिर आपके नंबर्स पर या फिर आप मेडिकल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब इसमें ये बताइए कि अगर किसी का ये सवाल रहता है कि मेरे दांत गंदे हैं तो मुझे डेंटल मेडिकल में क्या अनफिट कर दिया जाएगा, ये सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है, तो इस बारे में कुछ बताइए कि अगर दांत गंदे हैं तो क्या मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। अगर किसी के दांत गंदे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके मुंह में कुछ डिपोजिशन वगैरह स्टेन्स डेवलप हैं या जमा हो गए हैं, ठीक है, तो उसको डेंटल मेडिकल एग्जामिनेशन में टेम्परेरी अनफिट करके रीमेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा अच्छा सर, किस तरीके की गंदगी को हम ये कहेंगे कि दांत गंदे हैं? मुंह में अगर किसी प्रकार का टार्टर या कैलकुलस, जैसे पपड़ी नुमा एक लेयर जम जाती है जिसे हम लोग टार्टर या कैलकुलस कहते हैं, उस दशा में मुंह में बीमारी बनने के चांस रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आप ब्रश करेंगे तो टार्टर या जो कैलकुलस है वो रिमूव नहीं होता, चाहे कितने बार भी ब्रश आप नॉर्मली करेंगे तो वो ब्रश से नहीं हटेगा। अच्छा, वो इतना मजबूत मजबूती से दांतों से चिपक जाता है, गम्स में जाके अटैच हो जाता है कि वो गम्स से टूथ से हटता नहीं है। इस कंडीशन में ही आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है कि आप क्लीनिंग करा के ही आइए। अच्छा, इसमें जो मसाला वगैरह लोग खा रहे हैं तो क्या उनके साथ में ऐसी समस्या? हाँ, टार्टर कुछ अपने आप ही डेवलप हो जाता है, जैसे नॉर्मल ब्रशिंग कर रहे हैं फिर भी कुछ चीज़ छूट जाती है, टार्टर जम जाता है। उसके अलावा कोई पान गुटखा खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा ही कुछ जम जाता है और दांतों में स्टेन्स भी आ जाते हैं, और वही स्टेन्स और जो डिपोजिशन है पान गुटखे का वो आगे चल के कई तरह की बीमारियाँ भी बना देता है, ओरल डिजीज़, डेंटल डिजीज़। तो उन चीज़ कंडीशन में दांत की क्लीनिंग मस्ट है प्रिवेंशन के लिए और इस डेंटल मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि ओरल डिसीज हो जाती है, उसमें एक नाम पायरिया का है जी, तो क्या पायरिया भी एक प्रॉब्लम है उसमें? हाँ, नंबर पायरिया भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पायरिया से गम्स का परमानेंट लॉस हो जाता है। जिसके किसी के पायरिया बन गया इसके मतलब उसके दांतों में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, उस कंडीशन में मसूड़े गल जाते हैं, दांतों की रूट्स ओपन हो जाती हैं, उस कंडीशन में उसको ठीक कराना ज़रूरी है। तो यानी अगर ऐसी समस्या है तो पहले इसको करा लें, पहले इसको कराना ज़रूरी है। इसी पायरिया के साथ साथ किसी के मुंह में बदबू भी बहुत आती रहती है, ओके, उस बदबू को हेलिटॉसिस बोलते हैं, उस कंडीशन में भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो वो भी ठीक कराना ज़रूरी है। अच्छा, इस तरीके की या ओरल जो प्रॉब्लम्स आपने बताई या माउथ में बदबू की कंडीशन आपने बताई या फिर टार्टर की समझ, तो इनको कैसे सही किया जाए, एक बेटर तरीका क्या है इन सब के लिए? बहुत इजी और सेफ तरीका है। जब किसी के मुंह में पायरिया हो गया है, बदबू आ रही हो, डिपोजिशन हो, स्टेन हो, तो किसी भी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास में जाना चाहिए। वो उसके पास इस तरह के स्केलर्स होते हैं, मशीनें हैं जो दांतों को किसी भी बिना दर्द तकलीफ के, बिना नुकसान पहुँचाए इन सब चीज़ों को साफ कर देता है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दांतों की सफाई कराते हैं तो दांत हल्के हो जाते हैं और सेंसिटिविटी हो जाती है और दांतों में पानी लगने लगता है और इससे दांत खराब हो जाते हैं, उनकी ऊपर की लेयर ख़त्म हो जाती है, तो क्या ये सच है? अगर कोई किसी अनक्वालिफाइड पर पहुंच रहा है जो ट्रेंड नहीं है या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर नहीं है, तो वो इस तरह से कर सकता है कि दांतों को नुकसान हो सकता है। क्वालिफाइड पर्सन डेंटल और अल्ट्रासोनिक स्केलर से क्लीन करता है जिससे दांतों में ना कोई स्क्रेचेस आते हैं, ना कोई गम्स टेयरिंग होती है और प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। ओके, तो यानी वही सही तरीका है कि आप किसी
क्लिनिक पे जा सकते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, मशीनें अवेलेबल हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके बहुत ही बेफिक्र होकर आप ये स्केलिंग करा सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके की समस्याएं अगर किसी के साथ हैं जुड़ी हुई, तो उन्हें इसको पहले ही क्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने समझदार हैं तो आपको पता होगा कि मेरे मुँह में इतनी समस्या है, इस तरीके की समस्या है, तो उसके लिए हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे मिलें और वो इन समस्याओं का पहले ही हल वहाँ पर कर तब वहाँ पर अपेयर करें, जिससे कि हमारे मेडिकल में दिक्कत ना हो। हाँ, स्केलिंग कर देगा वो। अगर दांत बेस्टियंस हैं तो टूथ पॉलिशिंग भी करा सकते हैं। टूथ पॉलिश भी होती है? टूथ पॉलिश अगर स्टेंस आ गए, कुछ स्टेंस ऐसे होते हैं, कुछ खाया है, कुछ पिया है, तो उसके कलर दांत पे चढ़ गया है, दांत येलो लग रहा है, रेड कलर आ गया है, तो वो पॉलिशिंग करके दांत में नॉर्मल उसका कलर फिर से आ जाएगा दांतों का। अच्छा, कुछ लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे वाइट दांत नहीं दिख रहे हैं, पीलेपन आ गया है या फिर थोड़े से डार्क दिख रहे हैं, कुछ पानी की भी कंडीशंस कैसे जुड़ी हुई है कि कहीं का पानी पीने से? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ तो दांत का कलर का एक नॉर्मल जैसे स्किन कलर होता है, हर एनिमल थोड़ा डार्क, किसी का लाइट, किसी का बहुत ही ब्राइट होता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर कोई आउटर चीज़ उस पर डिपॉजिट हो गई है, कोई चीज़ उस पर जम गई है, वो रिमूव करी जा सकती है, स्टेन रिमूव भी आते हैं, स्टेन्स भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये स्केलिंग एक रूटीन प्रोसीजर है, बिना डरे उसको रूटीन में फॉर मेंटेनेंस पर्पज़ से, जिससे कि किसी दांत में गम डिजीज़ ना हो, टूथ भी आपका ख़राब ना हो, तो कभी भी रूटीन वे में करा सकते हैं, वो कराते ही रहना चाहिए। सर, कब कब कराना चाहिए, कुछ टाइमिंग इसकी है कि हमें अपने दांतों की, जो क्लीनिंग के बारे में आपने बताया, तो ये क्लीनिंग को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं सर? ओरल प्रोफाइलेक्सिस के बारे में डेंटिस्ट्री के हिसाब से तो आफ्टर एवरी सिक्स मंथ करा लेना चाहिए, जिसे आम जनता कहती है कि दांतों की सफाई, जैसे दांतों की सफाई हर 6 महीने के बाद करा लेना चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। आप किसी क्वालिफाइड पास जाएंगे, हर 6 महीने जाएंगे, साल भर में एक बार भी चले जाएंगे, तो डेंटल क्लीनिंग भी कर देगा, और इस दौरान अगर किसी दांत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, कैविटी हो रही है, कुछ और समस्या हो रही है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा टाइम रहते उसे ठीक करा सकते। और जो टैटर की एक समस्या है, जो मजबूत जो एक वो जम जाता डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन हो जाता है, वो रिमूव हो जाएगा और दांत और गम्स दोनों स्वस्थ रहे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। सर, आपने जैसे अभी ये बताया कि अगर पायरिया की दिक्कत है या फिर टैटर है, वो हम जो आपने प्रोसीजर बताया उससे हम उसको करा सकते हैं और वो हमारे दांत ठीक हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमने करा लिया, तो उसके बाद हम इसको वैसा ही मेंटेन कैसे रखें? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। ये मोस्ट निग्लेक्टेड कंडीशन है, जो लोग इस पर गौर नहीं करते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ही नहीं सीखते। तो ब्रश की टेक्निक्स भी हैं? हाँ, ब्रश की टेक्निक्स भी हैं, जिससे हम प्रॉपर वे में ब्रश करें और बगैर नुकसान उठाए दांतों को साफ कर लें। लेकिन आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि हमने ब्रश लिया, उसमें पेस्ट लगाया और यूं किया और हो गई छुट्टी। तो इसके बारे में यही है कि आप जब क्लीनिंग कराने जाएं किसी डेंटल सर्जन से, डेंटल हाइजीनिस्ट से, तो उनसे ब्रशिंग टेक्निक के बारे में भी, प्रॉपर ब्रश के सिलेक्शन के बारे में भी और टूथपेस्ट के बारे में ज़रूर डिस्कशन करें। वो आपको एडिक्वेट ब्रशिंग जैसे आपके मुँह में रिक्वायर्ड है वो आपको बताएगा, सिखाएगा भी, और आप उस बात पे गौर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, जनरल कितने बार ब्रश करना चाहिए दिन में? सुबह और शाम तो मस्ट है। और मैं कब? सुबह में आप, मॉर्निंग में। अच्छा, सुबह में। क्या ब्रेकफास्ट के बाद ही जरूरी है? अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद देर तक कुछ नहीं खा रहे हैं, तो आप सिंपल वे कुल्ले के साथ साथ थोड़ा सा नॉर्मल ब्रश भी चला दें, जिससे फूड पार्टिकल वहाँ से हट जाए। ठीक है। और रात का ब्रश तो मस्ट है। मस्ट है, यानी दो चीज़ें क्लियर हुई कि सुबह का ब्रश भी हम ब्रेकफास्ट के बाद अगर कर लें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। थोड़ा ही कर लें, थोड़ा सा फूड पार्टिकल रिमूव निकल जाए, तो अगर जब तक हम दोबारा खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारे दांत साफ रहेंगे, मुंह से बदबू नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर, मुझे लगता है कि आज की तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी रही होगी और ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि जब वो इसको देखेंगे और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे इस चैनल पर, तो मैं समझता हूँ कि इसको पहले ही वो केयर करके तभी मेडिकल में अपीयरेंस देंगे, जिससे कि इस तरीके की अगर कोई समस्या आने वाली है तो वो ना आए। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं।
आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर आपने डेंटल से जुड़े हुए पहले के वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आपके बहुत सारे दूसरे और सवाल हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ आप इस आई बटन पर क्लिक करके पहले जो 2 से 3 जो वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डॉक्टर साहब ने अपना बहुत कीमती समय देकर उन वीडियो को मैंने बनाया है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आपके शायद क्वेश्चन कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फिर वही रिपीट क्वेश्चन आपके होंगे। तो स्टे ट्यून और नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।